हमें पूरा आश्वासन दिया कि हम उनके साथ मैं कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और इसके साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो हमारे मुद्दे हैं उनमें अहम मुद्दा हमारा ओबीसी का मुद्दा है। हिंदुस्तान के 11 स्टेटों में जाटों को ओबीसी का स्टेटस दिया गया, वाहिद एक जम्मू कश्मीर स्टेट है कि जिसमें उस चीज़ को आज तक महरूम रखा गया। उसके साथ हमारे जो जाट बरादरी है वो मेजॉरिटी ऑफ जाट वो जो है शम सेक्टर से डिस्प्लेस होकर आए हैं 47, 71 और 65 में। जो हम वहाँ पे अपनी ज़मीन और अपनी प्रॉपर्टी जो छोड़ के आए थे उसके बदले में जो गवर्नमेंट ने हमें बॉर्डर के ऊपर ज़मीन लाट की, पहले तो वो उस स्थिति में नहीं थी कि उसको तब उसको कल्टीवेट किया जाए, और हमने दिन रात मेहनत करके उस ज़मीन को कल्टीवेट जोगे बनाया, मगर गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ उसके अलाटमेंट आर्डर दिए गए, उसको ओनरशिप राइट नहीं दिया गया। जिसके बाद वो ज़मीन जब गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है रिंग रोड के लिए, सर्कल रोड के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, बंद बन रहे हैं वहाँ पे जो भी चीज़ बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, उसके पैसे स्टेट में उसकी कंपनसेशन जो है वो कस्टोडियन डिपार्टमेंट को जा रहा है, और हमें एक चवानी नहीं मिल रही है। और हम इस स्थिति में खड़े हैं, हम दोबारा एक बार डिस्प्लेस होने की स्थिति में खड़े हैं, और उसके बदले में हमारे पड़ोस में जिन लोगों को ज़मीन ओनरशिप राइट है वो लोग, वो साथी, वो फैमिली मार्केट रेट से 4 गुना ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। उसी के साथ में एक चीज़ कहूँगा, हमारा आनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने जब श्रीनगर में आए तो उन्होंने कहा कि 30 लाख रुपए इन रिफ्यूजीज को दिया जाएगा वन टाइम सेटलमेंट की स्टेज में। मैं धन्यवाद करता हूँ प्राइम मिनिस्टर जी का कि उन्होंने 5.5 लाख की एक इंस्टॉलमेंट दी, मगर उसमें भी हमारे बड़े सारे फाइलें आज पेंडिंग पड़ी हैं, आज तक उसका कोई आगे नहीं पता चल रहा। और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि बाकी का जो 25 लाख है वो कब देंगे, ये सारे मुद्दे हैं। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर गवर्नमेंट हमें मॉरल ओनरशिप राइट देने में आनाकानी करती है तो इन दी मीनवाइल गवर्नमेंट हमें जो उसकी कंपनसेशन है डायरेक्ट जिनके नाम अलाटमेंट है उनकी फैमिलीज को दी जाए। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को चेताना चाहता हूँ कि जो कमिंग इलेक्शन है ये पूरी जाट बरादरी, आने वाली इलेक्शन पूरी जाट बरादरी, अगर गवर्नमेंट ने हमारे ये डिमांडों पे, जायज़ डिमांडों पे, या तो गवर्नमेंट हमें बुला के कहे कि ये आपकी डिमांड जायज़ नहीं है, अगर हमारी जायज़ डिमांडों पे गवर्नमेंट ने गौर नहीं किया तो हमारी पूरी बरादरी इस किसी भी सरकार जो है वोट की चोट देने में एक बार भी नहीं सोचेगी। मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं वो सरकार हमें मजबूर मत करे, और आप सब इस चीज़ को सब बड़ी भांति जानते हो कि जो हमारी मुख्य डिमांड्स हैं वो जेन्युइन हैं कि नहीं है। शुक्रिया।